हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल डिफनिटी ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स एंड डेफिनेटली यू नीड टू नो दैट इट इज वेरी अर्जेंट और आपको जानने की भी जरूरत है सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे हम पहले देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि आपको क्या जानने की जरूरत है और क्या आपकी जिंदगी में अचानक से आ सकता है सो यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके, उनके प्रेजेंट सिचुएशन उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है सो व्हाट इज दर प्रेजेंट सिचुएशन लेट्सि लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स यहां पे है द एम्प्रेस कार्ड ओके वी डू हैव द चैरिट कार्ड We do have ten of pentacles. We do have three of pentacles. Bottom on the deck, we do have the full card. So Aquarius, Gemini, and Libra, Cancer, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius are very important. Three, three is very important. Seven and ten are also important numbers. ना मुझे यहाँ पे आपकी वर्तमान स्थिति में कुछ इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो वट कि आप अपने जोन में कंफर्टेबल हैं, ठीक है ठीके? आप काफ़ी ज़्यादा ही ठीक है लग्जरी में रहना पसंद करते हैं और करंट सिचुएशन में आपके पास जितना भी इनकम है आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है बट ये ये भी सत्य है कि आपके पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और कर रहे हो अपनी जिंदगी में वो शायद चाहते थे कि आप कोई और फील्ड में जाए बट प्रेजेंटली आप कुछ और कर रहे हो या कोई और स्ट्रीम में हो कुछ लोगों के लिए आप उनके रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि आप अपनी फ्रीडम को जो है वो एन्जॉय करो एंड देट्स वाई समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दैट यू नो यू फील लाइक लिविंग द हाउस आपको घर छोड़ना है अपने ही साम्राज्य में हुकुम करना है और अपना ही एक एम्पायर बनाना है अपना ही राज्य बनाना है उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे यू ऑल्सो फील लाइक यू नो दैट आपके पास जो है वो टीम होने चाहिए आपके पास फंड्स तो अरेंज हो जाएंगे लेकिन आपके पास ईमानदार एम्प्लॉज होने चाहिए ताकि आप ख़ुद का एक सेटअप करो ये आप चाहते हो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जो इमोशंस है जो अनकंट्रोलेबल है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हो बट वो होता नहीं है आपसे थिंग्स समटाइम्स रिजल्ट इन यू कैन कैस, जो एकदम बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाता है लाइफ में जो होना नहीं चाहिए ठीक है आई डू फील लाइक दैट कि आप मेंटेन करना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा पीसफुल लाइफ लेकिन क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोग जो काफी ज्यादा जिलेस है आपसे वो मतलब इतना ज्यादा दखल दे देते हैं कि आपकी लाइफ में फिर से वही कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सो लाइफ इज नॉट स्मूथ फॉर यू ऑलवेज एंड यू ऑलवेज थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो आप सेविंग्स के बारे में भी सोच रहे हैं आप अपने फैमिली को भी आपको ऐसा लग रहा है अभी तो मैं अपना जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ अभी तो मैं सिंगल हूँ अगर आप है तो आने वाले समय में, में मेरा खर्चा और बढ़ेगा जिम्मेदारी और बढ़ेगा ये भी आप सोच ही रहे हैं वट इज दैट दैट यू नीड टू नो ऐसा क्या है जो आपको जानने की भी जरूरत है और वो आपकी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ भी रहा है यूनिवर्स वाइड्स प्लीज गाइड कर वट डू दे नीड टू नो आपको क्या जानने की जरूरत है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में आने वाला है सेल्फ वर्थ ट्रैप्ड हाई प्रिस्ट्रेस ऑफ एयर वी डू हैव फोकस we do have honesty and we do have deceit honesty and deceit chaos and choices ये बार-बार आ रहा है कुछ reading में message. जो आपको जानने की जरूरत है वो इस तरह से है कि यू डोंट नीड टू टेक एनी टाइप ऑफ रिवेंज आपको रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है जो भी पास में आपके साथ हुआ था वो कहीं कही ना कहीं पे आप ही के चॉइस लाहा होगा इसलिए उस इंसान को भी मौका मिल गया आपको हर्ट करने का आपका डिसरेस्पेक्ट करने का या आपको जो है आपको वैल्यू ना देने का चाहे वो कोई भी हो सकता है अभी ये आपके एक एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं आपके एक बॉयस भी हो सकते है कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जिसने आपको कोई भी मोल नहीं दिया वैल्यू नहीं दिया एंड कहीं ना कहीं पे मुझे जो लग रहा है यहाँ पे दैट यू नीड टू नो व्हाट यू नीड टू नो दैट समटाइम्स यू नो व्हाट दैट यू शुड नॉट टेक थिंग्स इफ इट इज लाइक यू नो कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट कोई भी uh, चीज़ या तोहफा या कोई रिलेशनशिप आपको लेना नहीं चाहिए जब तक अगर वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आँच आ जाता है तो आपको लेना नहीं चाहिए अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप उस जगह पे जो है फंस जाए या ट्रैप हो जाए और बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपकी मनपसंद का हो जैसे जैसे आपने क्वालिटीज चाहा है उस तरह के पार्टनर हो सकते हैं लेकिन मे बी इट इट इज़ गोइंग टू टेक अवे योर फ्रीडम ये भी तो होगा ठीक है हो सब मैं नहीं डरा रही उस सबको कि ये सबके साथ होगा कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई जो है आपको अपना डिसीशन लेने में या आपका भी एक चॉइस है उसकी कोई कदर नहीं है उस तरह से भी हो सकता है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में तो आ जाएंगे कंफर्मेशन भी हो जाएगा सब कुछ होगा मे बी यू विल बी गेटिंग अ जॉब लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें आप ट्रैप्ड हो सकते हैं सो बिफोर यू जॉइन एनी जॉब यू नीड टू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ठीक है so job, and 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 कोई दूर देश में आप जा रहे हो ठीक है वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा नियम कानून आपको पालन करना ही पड़ेगा अदरवाइज यू कैन बी ना बैड पोजिशन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ईमानदार लोग भी मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा बेईमान लोग भी मिलेंगे बहुत ज्यादा एहसान फरामोश लोग भी मिलेंगे आपको रास्ते में ऑल ऑफ अ सडन ये भी होने वाला है बट थ्रू योर लाइट ऑल द डार्कनेस विल डिसर कहीं ना कहीं भी आप अगर रोशनी में है यू आर ग्रोइंग डे बाई डे राइट योर इंटूशन इज ऑल्सो ग्रोइंग डे बाई डे तो so, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट विथ योर लाइट यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द डार्कनेस आप अंधेरे को निगल जा, जा, जाओगे क्यों क्योंकि आपके पास क्या शक्ति है शक्ति है रोशनी का उस तरह से एंड आने वाले समय में मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्मूथ होंगे कंफर्टेबल होंगे कन्वीनियंट होंगे आपके लाइफस्टाइल जैसा भी आप चाहते थे उस तरह से ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू वांट सिंपल लाइफस्टाइल बट फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन लाइक कुछ चीज़ों की कमी कभी भी ना हो और आप हमेशा ही आपकी ज़िंदगी ठीक है जैसे बोला जाता है कि अबंडस रहे उसमें कभी भी शॉर्टेज ना हो जैसे होता है कि पावर शॉर्टेज हो जाए तो लोड शेडिंग हो जाएगा वैसा नहीं हो आपका लाइफ उस तरह से मुझे दिख रहा है एंड यू ऑल्सो नीड टू नो दैट अनटिल एन अनस यू पे प्रॉपर अटेंशन ठीक है आप जब तक पूरी तरह से अटेंशन नहीं भी देते हैं तो आप उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि आपका फेट आपका भाग्य कुछ इसी तरह से कह रहे हैं कि आपका हार्डवर्क आपका फोकस आपका अटेंशन आपकी पूरी तरह से कंसनट्रेशन ही आपको रिजल्ट देंगे यहाँ पर किसी की सिफारिश किसी का रेफरेंस किसी का जो है इवन अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भी करेंगे तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकते आपका सक्सेस तभी हो रहा है व्हेन यू आर पुटिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ठीक है उस तरह से दिख रहा है एंड आपके लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैर्स हो हो जा रहा है तो यहाँ पे कैर्स सॉल्व करने का एक ही तरीका है दैट यू नीड टू गेट लिटिल भी डिटैच फ्रॉम द सोसाइटी सर हर एक चीज़ में आपको अटैचमेंट नहीं दिखाना है आपके पास हेल्दी चॉइसेस भी होंगे और मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत अर्जेंट मैसेज hmm. जो आपके लाइफ को भी बदल सकते हैं बट यू हैव टू टेक द अपॉर्चुनिटी सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आईज आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी लव योर लॉड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड